नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। फरीदाबाद में बीजेपी नेता द्वारा निवर्तमान डिप्टी मेयर के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया। इस घटना के विरोध में उद्योगपति संगठनों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और मामले में उचित कदम उठाने की मांग की। दरअसल सेक्टर 24 स्थित भाजपा नेता यशवीर डागर ने मंगलवार सुबह जमकर मनमोहन गर्ग की पिटाई की। मनमोहन गर्ग का आरोप है कि उनकी कंपनी पर कब्जा करने के लिए यशवीर डागर अपने साथियों के साथ पहुंचे और आते ही मारपीट करने लगे। इसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं यशवीर डागर ने आरोप को गलत बताया। उनका कहना है कि मनमोहन गर्ग लीज पर ली गई कंपनी पर हक जताना चाहते हैं, ऐसे में उन्होंने ही मारपीट करने के साथ जान से मारने की धमकी दी। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मुजेसर थाना में शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी भाजपा नेता यशवीर डागर के खिलाफ आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। प्रेसिडेंट रिवर चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री सीपीओ पी आए हैं, क्या है मुद्दा था, क्या किस विषय और किस विषय पे बात है? ये मनमोहन गर्ग जी के साथ आए हैं, उनकी फैक्ट्री पे कब्जा करने के कुछ लोग आए थे, उनका इंसाफ मांगने आए थे। सीपी साहब से इंसाफ किया जाए। सीपी साहब ने क्या आश्वासन दिया है? बिल्कुल इंसाफ होगा, जो सही है उसके साथ। बिल्कुल साहब के पास आए थे अपने डॉक्यूमेंट्री वो प्रूफ देने के लिए कि ये पोजीशन हमें ऑलरेडी दी गई है और फोर्सफुल एंट्री की गई है। सीपी साहब ने क्या आश्वासन? सीपी साहब ने कहा जी 2-3 दिन के अंदर हम इसके ऊपर पूरा देखेंगे, उनको भी बुला लेंगे, उस पार्टी को भी बात करेंगे और जो इंसाफ होगा हम इंसाफ ही करेंगे। क्या इससे जो इंडस्ट्री वाले सब खुश हैं या जो हाँ जी हम उनके साथ हुआ वो नहीं, वो जो हुआ उससे हम खुश नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए। काम होता टेबल पर बैठ के बात की जाती है और उससे तो हम खुश नहीं है, लेकिन सीपी साहब ने जो हमें भरोसा दिया उससे हम खुश हैं। आपके साथ जो घटना हुई है, अभी आज सीपी साहब के पास आए हैं, सीपी साहब से आप मिले हैं, क्या बातें हुई हैं और क्या आश्वासन मिला? नहीं नहीं, जैसा कि भाटिया जी ने बताया, पूरी इंडस्ट्री हमारे साथ आई है और इंडस्ट्री का ये कहना है कि ये गलत हुआ है, जबरन फैक्ट्री पे कब्जा करने की कोशिश हुई है। तो हमने सीपी साहब से यही दरख्वास्त की है कि जी जो न्याय है, जो सच बातें हैं उनको आप पता कर कर और इस पर तुरंत एक्शन लीजिए, क्योंकि अभी भी फैक्ट्री पर उसने कब्जा किया हुआ। लेकिन वो ये कह रहे थे कि भी हमारा कोई भी मारपीट नहीं हुई है और वो ये भी कह रहे हैं कि हम एक ही पार्टी के हैं और जो भी बात होगी हम आमने सामने बैठ के। देखिए, मारपीट करने वाला कभी ये कहता है जी मैंने की है मारपीट, मुझे पता है मेरे चोट लगी, मेरा मेडिकल हुआ। तो जब किसी को चोट लगती है कोई ज़बरदस्ती तो नहीं चोट मार लेगा अपने आप को, तो उन्होंने मारपीट की, जबरन घुसे हुए और आज भी बैठे हुए हैं उसके फैक्ट्री में, अभी तक नहीं निकले हैं वहाँ से। तो क्या मांगते हो कि क्या कानून पर भरोसा है या दबंगी पर? नहीं नहीं, बिल्कुल कानून पर भरोसा है और सीपी साहब ने आश्वासन दिया, पूरे कानून पर भरोसा है, सरकार पर भरोसा है और मैं तो सरकार का एक पार्ट हूँ, तो मुझे अपनी पूरी सरकार पर भरोसा है। धन्यवाद। प्यारो साहब, मनमोहन गर्ग और यशवी डागर को झगड़े का मामला सामने आ रहा, किसी कब्जे को लेकर क्या है पूरा? शिकायत मिली है उनकी तरफ से, तो थाना मुचेस्टर में मुकदमा दर्ज किया गया है शिकायत से संबंधित जो रेलिवेंट धाराएं हैं उनके अंतर्गत, और इसमें जांच की जा रही है, साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं, डीसीपी मुख्यालय इसमें पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं और इसमें जो भी जांच होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी जो है कंपनी वाले भी मिल के गए हैं, सीपी साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला पुलिस की तरफ से? पुलिस आयुक्त महोदय श्री विकास अरोड़ा जी ने डीसीपी हेडक्वार्टर श्री नीतीश अग्रवाल जी को निर्देश दिए हैं कि भाई इसमें पर्सनली वो मॉनिटर करेंगे और इसमें जो भी साक्ष्य एकत्रित करेंगे और जो रिकॉर्ड लिया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। यशवी डागर पे क्या और भी कोई कब्जे की कोई अगर मामला सामने आया तो क्या और भी कार्रवाई होगी? ये जाँच का विषय है कि अभी ये शिकायत मिली है उसका मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर ऐसे जाँच का विषय में उसमें कोई चीज़ सामने आती है तो उसके हिसाब से उसमें आगे की कार्रवाई देखी जाए। अभी पुलिस फिलहाल क्या कार्रवाई? हम जैसे मैंने बताया कि इसमें मुकदमा दर्ज हो चुका है और झगड़े के संबंध में, और उसकी तफ्तीश जारी है, कार्रवाई जारी है, और जो ये तफ्तीश है जो डीसीपी हेडक्वार्टर द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है और इसमें किसी तरह की कोई संक सुबह ना रहे, इसलिए जो आईपीएस अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।